वेलकम व्यूअर्स। अब फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर ज़रूरी है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल या होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों के साथ फटाफट डिस्कस कर देते हैं। दोस्तों एक पत्राचार किया था FSC ने 20 अप्रैल 2021 को, ये मैं पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आ जाए, फिर इसके ऊपर क्या अपडेट आया है वो बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। सो ये डेप्ट जो था उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए जो भी प्लान था उन्होंने बताया था कि कोविड के चलते इनको डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान इनके लेंडर्स द्वारा अप्रूव किया गया था। सो उसकी कुछ मुख्य बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। रीपेमेंट ऑफ ऑल टर्म लोन्स टू बी एक्सटेंडेड बाई 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक जो भी टर्म लोन है उनकी जो पेमेंट है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। अनपेड इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी कन्वर्टेड इनटू फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, सो जो इंटरेस्ट पार्ट है वो भी फंड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दिसंबर 2021 में, 31 दिसंबर, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, इसमें ये भी बात करी गई है कि फुल वेवर ऑफ ऑल पैनल इंटरेस्ट एंड चार्जेस, डिफॉल्ट प्रीमियम्स, प्रोसेसिंग फीस अनपेड सिंस मार्च 2020, सो फुल वेवर की बात भी करी गई है। और इसमें बताया गया था कि 26 अप्रैल को इनका ये जो प्लान है रेजोल्यूशन वाला उसको इम्प्लीमेंट करने का एक टेंटेटिव डेट बताई गई थी। और एक चीज़ और है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए ब्रीफ डिटेल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की, सो इनको पेमेंट कब कब कैसे कैसे करनी है वो यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। 15% पेमेंट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की सितंबर 2022 में, और 15% की जो पेमेंट करनी है वो 26 सितंबर 2023 में करनी है, और जो बैलेंस बचेगा 70% उसकी पेमेंट करनी है इनको 26 सितंबर 2024 में। सो बहुत अच्छा खासा टाइम इनको मिल गया है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो फटाफट इसके ऊपर एक अपडेट आ रहा है वो देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट है, 27 अप्रैल का पत्राचार है NSC BSC के साथ। इसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसके जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो 26 अप्रैल 2021 को कंसीडर कर दिए गए हैं, मींस कह सकते हो एग्जीक्यूट हो गए हैं एग्रीमेंट एंड डीड जो भी प्लान बताया गया था अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दैट मींस ये जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी राहत है फ्यूचर सप्लाई चेन के लिए पर्टिकुलर अगर बात करें तो। और जो कि अभी दौर चल रहा है अपर सर्किट का फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर में, सो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा और चलता रहे। और जो इसकी डेट वगैरह है अमेजन वाले केस की वो 3 मई है, तो उस डेट के आसपास थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा, जो भी अपडेट आएगा वो उस चैनल से आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और होप अच्छा ही आए वहाँ से भी आउटपुट। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो यार अब 2 साल का समय मिल गया है डील, चाहे 6 महीने और डिले भी हो जाए तब भी कंपनी तो रहेगी जो एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन जो लगती है, और वही मेन है दोस्तों लिक्विडेशन। और इसमें जाने वाला जो एक पेन था या कह सकते हो एक डर था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखता है दोस्तों, कम नहीं ख़त्म होते हुए दिखता है, इस पॉइंट को समझना। सो मेरे हिसाब से अब इनके पास उचित समय है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जो पेमेंट वगैरह डिफ़ॉल्ट है या जो आउटस्टैंडिंग है उसको देने के लिए, साथ साथ डील को भी आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। सो ये ओवरऑल कहानी है। सो समझ में आई होगी तो दोस्तों लाइक दबा देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।